This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. प्रॉपर्टी बाजार में निवेश की सटीक सलाह के साथ पेश है आपका पसंदीदा शो प्रॉपर्टी इंडिया। हमारे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के साथ जानिए कहां आपके बजट में मिल रही है सही प्रॉपर्टी और कहां पर निवेश आपका पैसा कर देगा दुगना। आपके सवालों के जवाबों और रियल एस्टेट की हर बड़ी खबर के साथ मौजूद हैं हम। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। इसके अलावा अगर आप प्रॉपर्टी पर और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जा सकते हैं। चलिए एक नज़र डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। महाराष्ट्र सरकार ने माढ़ा से अपनी कॉलोनियों में विस्तार की संभावनाएं तलाशने को कहा। जमीन की कमी से जूझता माढ़ा क्या बना पाएगा किफायती मकान। रिहायश निवेश के लिए शहर के कौन से इलाके हैं सबसे बेहतर, पाइए अपने सवालों के जवाब। और प्रॉपर्टी नियामक बिल को किया कैबिनेट ने मंजूर, पर संशोधनों के बाद खरीदारों का कितना होगा फायदा। महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी हाउसिंग एजेंसी माढ़ा को आदेश दिया है कि वो मुंबई भर में फैली अपनी रिहायशी कॉलोनियों की जांच करे और उनके पुनर्विकास के बारे में सोचे ताकि वहां और लोगों को बसाया जा सके। माढ़ा के कब्जे वाली जमीन अब साल दर साल कम होती जा रही है, ऐसे में क्या माढ़ा के पास यही एक रास्ता रह गया है लोगों को नए मकान दिलाने का। ये खस्ता हाल इमारतें मुंबई में महाराष्ट्र आवास व क्षेत्र विकास प्राधिकरण या महाडा की बनाई रिहायशी कॉलोनियों का हिस्सा हैं। यहाँ सस्ते दाम देकर 7 से 8 लाख लोग रह सकते हैं। घनी आबादी वाले इलाकों की आबादी और बढ़ सकती है क्योंकि राज्य सरकार ने महाडा से अपनी कॉलोनियों का जायजा लेकर उनका पुनर्विकास करने को कहा है। हर कॉलोनी में कम से कम 50% ज्यादा लोग बस सकते हैं। अगर MHADA ने पिछले कुछ साल में यहाँ 2 लाख घर बनाए हैं तो 2 लाख और घर यहाँ बनाए जा सकते हैं। A very large number, but it is a substantial number. महाडा का लैंड बैंक घटता जा रहा है जिससे सस्ते मकान बनाने के उसके इरादे खतरे में पड़ गए हैं। इसका इकलौता इलाज मौजूदा कॉलोनियों में और घर बनाना है। बाजार से जमीन खरीदना मुश्किल है क्योंकि महाडा से ज्यादा दाम बिल्डर देने को तैयार रहते हैं। यहाँ लैंड बैंक नहीं है, माढ़ा के पास जमीन भी नहीं है, तो ये सिर्फ इमारतों का पुनर्निर्माण कर सकता है। वो जमीन की नीलामी में भी बोली नहीं लगा पाता क्योंकि हर लैंड बैंक की नीलामी में निजी बिल्डरों से मुकाबला करना उसके बस की बात नहीं। वो निजी बिल्डरों की तरह ज्यादा FSI और प्रीमियम आदि देकर ज्यादा कीमत वसूल सकते हैं, पर महाडा ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि महाडा अपने दम पर इसे करना चाहता है लेकिन उसे प्रीमियम और FSI तय करते समय ये ध्यान रखना होगा कि घरों के दाम सस्ते ही रहें। अगर राज्य खुद ही पुनर्विकास करे तो उसे अतिरिक्त प्रीमियम देने की जरूरत नहीं है। मेरा कहना है कि अगर सरकार पुनर्विकास प्रोजेक्ट्स इस मकसद से बनाए कि वो सिर्फ किराए पर लेने वालों को दिए जाएं, क्योंकि ये जन संसाधन है, निजी संसाधन नहीं, बेचिए मत, उन्हें किराए पर या लंबी लीज पर दे दीजिए। विशेषज्ञों की भी सलाह है कि सरकारी एजेंसियों की जमीन पर निर्माण की इजाजत मिले तो महाडा की मदद हो सकती है। इतने सारे लैंड बैंक सरकार या सरकारी एजेंसियों के पास हैं जो आसानी से महाडा को पुनर्विकास के लिए दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके से महाडा को विकास के लिए जमीन के बड़े टुकड़े मिल सकते हैं। लेकिन अगर ये प्रॉपर्टीज पुनर्विकास के लिए महाडा को नहीं मिलती तो महाडा को इसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि सारी जमीन डेवलपर्स को मिल जाएगी। मुंबई से अंकिता सिन्हा की रिपोर्ट, NDTV।
इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जॉय सान्याल, जो कि नेशनल डायरेक्टर हैं JLL इंडिया के, और साथ में हैं आर्किटेक्ट प्रेमनाथ, जो कि प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं प्रेमनाथ एंड एसोसिएट्स के। आप दोनों का स्टूडियो में आने के लिए शुक्रिया। प्रेमनाथ साहब, आपके साथ शुरुआत करना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, क्या माड़ा के पास पुनर्विकास के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया है? देखिए, बॉम्बे नगरी बहुत पुरानी नगरी है, ये कोई नया शहर तो है नहीं है। आधे लोग स्लम में रहते हैं, आधी बिल्डिंग है जो सोशल प्राणी बन चुकी हैं। माडंड में बिल्डिंग बनाई थी 50 साल पहले, उनका काम ये था कि गरीब लोगों के लिए हाउसिंग का काम किया जाए, बंदोबस्त किया जाए। माडा के पास कम से कम इसको 104 कॉलोनीज हैं और इनके पास कम से कम 4000 एकड़ ज़मीन है। उसका मतलब क्या है कि अगर गिनती करने बैठे तो 15 करोड़ स्क्वायर फुट की ज़मीन है, उसमें से सड़कें वड़कें निकाल के 10 करोड़ स्क्वायर फुट ज़मीन है। और आज महाराष्ट्र के गवर्नमेंट ने FSA बढ़ा के 3 कर दिया है, तो कम से कम 40-45 करोड़ FSA वो एरिया बना सकते हैं। इनके पास अभी 2 लाख टेनमेंट हैं, जो पुराने मकान जो हैं, पुराने जो लोग रहते हैं उनको नया बना के दें, उसके बाद भी ये 5-6 लाख और फ्लैट बना सकते हैं। पर वह है कि महाराष्ट्र को खुद को काम करना चाहिए, ना कि बिल्डर को। बिल्डर का काम करने से माडा खुद क्या करेगी? माडा के पास कम से कम 1000 लोग हैं, 400-500 इंजीनियर हैं, इतनी बड़ी संस्था है। इनका काम है मकान बनाने का, इनका नाम है महाराष्ट्र हाउसिंग एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी। हाउसिंग बनाने का काम इनका है, ये सरकारी है, कंपनी है सरकारी, जिसके हमारी पैसे के ऊपर, पब्लिक के पैसे के ऊपर कंपनी चलती है। इनका काम धंधा करना नहीं है, इनका काम मकान बनाना है। तो अगर ये डेवलपमेंट करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से मकान बना सकते हैं। कम से कम 4-5 लाख मकान बन जाएंगे गरीब लोगों के लिए, अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, एंड काफ़ी सबको सहायता हो जाएगी जी। जॉय, आप क्या मानते हैं, क्या माड़ा इतना मादा रखता है, इतना दमखम रखता है कि इतना बड़ा रीडेवलपमेंट अंडरटेक कर सके? जाहिर तौर पर एक साथ नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी बिना प्राइवेट प्लेयर को इन्वॉल्व किए हो सकता है ये? आई थिंक मेरे को लगता है कि माड़ा खुद भी कर सकता है ये काम, अगर करना चाहे तो। बिकॉज आज के दिन में कॉन्ट्रैक्टर्स बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्टर्स अवेलेबल है, तो कॉन्ट्रैक्टर्स को अपॉइंट करके, आर्किटेक्ट्स को अपॉइंट करके, प्रोजेक्ट मैनेजर्स को अपॉइंट करके अच्छी तरह ये प्रोजेक्ट को कॉस्ट इफेक्टिव एंड टाइमली एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। जहाँ तक प्राइवेट पार्टीज़ को इन्वॉल्व करने की बात है, PPP मॉडल को इस्तेमाल करने की बात है, वो भी सक्सेसफुल रह चुका है हमारे कंट्री में, डिफरेंट सिटीज़ में, महाड़ा के लिए भी सक्सेसफुल रह चुका है। तो उनको अगर इन्वॉल्व करेंगे तो महाड़ा को रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आता है, गवर्नमेंट को रेवेन्यू थोड़ा बढ़ता है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट इसको एक अच्छी पॉजिटिव तरीका से देखता है। बट प्रेमनाथ साहब जैसे बोलते हैं, रेवेन्यू बनाना गवर्नमेंट का मकसद नहीं होना चाहिए, घर बनाना होना चाहिए महाड़ा का मकसद, जो कि मैं सहमत हूँ उस मामले में। और घर बनाना महाड़ा को डायरेक्टली करना चाहिए, उसमें आई थिंक महाड़ा जो घर के जो रहने वाले लोग हैं, अल्टीमेटली जो EWS सेक्शन है या पुअर पीपल है, उनके लिए एक अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जी। प्रेमनाथ साहब, आप क्या मानते हैं कि जहां अगर प्राइवेट एंटिटी इन्वॉल्व हो जाती है तो क्या कॉस्ट फैक्टर भी बढ़ जाता है? नहीं जी, मेरी बात बताओ, अगर प्राइवेट डेवलपर को देते हैं तो क्या करेंगे, उनसे थोड़े प्रीमियम चार्ज करेंगे। जो भी माडा सोचती है प्राइवेट बिल्डरों को देने के हिसाब से, उनको 10 करोड़ का फायदा होगा। 10 करोड़ तो फायदा बनाएगा माडा वाले, तो बिल्डर बनाएगा 20 करोड़ वो बनाएगा, तो कॉस्ट कहाँ बढ़ जाएगी, पब्लिक को पैसा देना पड़ेगा सब। ये अगर गवर्नमेंट खुद काम करती है, प्राइवेट आर्किटेक्ट लगाती है, कंसल्टेंट लगाती है, बिल्डर को लगाती है, दिल्ली में शुरू किया लोग ने, दे आर टेकन प्राइवेट कंसल्टेंट को लगा के, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को लगा के, किदवाई नगर बन रहा है, आशा नगर बन रहा है, गांधी नगर बन रहा है, बॉम्बे में भी ये करते हैं, पहले भी करते थे, अभी खुद करेंगे तो उनकी कॉस्ट कम हो जाएगी, प्रॉफिट जो है उसका फायदा होगा, तो ज़्यादा मकान बनेंगे, सस्ते मकान बनेंगे, एंड दे कैन हैव प्रॉफिट भी बन सकता है, आगे बढ़ते बढ़ते और मकान बन सकते हैं। अदरवाइज यह पड़ा रहेगा, खाली बातें करते करते 3-4 साल पानी निकाल दिए उन्होंने, काम करें तो ये 2-3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर पूरा काम कर सकते हैं कम्प्लीटली, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। अच्छे अच्छे टीम अवेलेबल हैं, अच्छे कंट्रेक्टर्स अवेलेबल हैं, अच्छे आर्किटेक्ट्स अवेलेबल हैं, अच्छे कंसल्टेंट अवेलेबल हैं, खाली इनको थोड़ा काम करना पड़ेगा, ये नहीं खाली बैठ के कुछ जी। हाँ जी जी। जॉय, यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, क्या इस तरह का रीडेवलपमेंट, लार्ज स्केल का रीडेवलपमेंट माड़ा ने पहले किया है जिसको वो एक ब्लूप्रिंट बना के चल सकता है? नहीं, आई थिंक एक साथ इतने बड़े काम कभी किया नहीं है माड़ा ने, बट छोटे छोटे काम तो बहुत सारे किया है।
तो उसको आज जो सिचुएशन है देश में, प्रोफेशनल बहुत लोग है, अवेलेबल है, तो मैं ये सोच रहा था कि आई थिंक म्हाडा अगर गवर्नमेंट प्लेयर के हिसाब से ये प्रोजेक्ट को अपने दम पर ही ले तो भी ये एक अच्छे मिसाल के तरीका से किया जा सकता है। बट आई थिंक म्हाडा का मकसद क्या है वो हमें समझना चाहिए। म्हाडा का मकसद अगर घर बनाना है, EWS हाउसिंग बनाना है, तो फिर उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि रेवेन्यू क्रिएशन में, जनरेशन में ध्यान देना चाहिए। रेवेन्यू जनरेशन, यस, इट कैन बी अ पार्ट ऑफ द होल थिंग, बट दैट शुड नॉट बी द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट एजेंसी। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, जहाँ तक लैंड सप्लाई कम हो रहा है यहाँ पे, म्हाडा का लैंड बैंक कम हो रहा है, ऐसे जिक्र किया हुआ है बहुत लोगों ने, बट आई थिंक उसका सोल्यूशन बहुत सारे है। FSI आप बढ़ा सकते हो अप टू द लिमिट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जितना वो ले सकता है पॉपुलेशन उतना आप FSI बढ़ा सकते हैं एक शहर में, और FSI बढ़ाने का प्रपोजल भी है ये जो इनके गवर्नमेंट के न्यू पॉलिसी में। जी, नए डेवलपमेंट प्लान में हम देख रहे हैं कि FSI पे भी जोर दिया जा रहा है, लेकिन प्रेमनाथ साहब आपको क्या लगता है, क्या म्हाडा, क्योंकि हमने पिछले लॉटरी में देखा म्हाडा का जो मकान आ रहे हैं वो किफ़ायती उतने हम नहीं कहेंगे अब, तो क्या एक मुंबई कर के लिए किफ़ायती मकान अब मुश्किल बात हो गई है? सी, म्हाडा एक ऐसी एजेंसी है जो किफ़ायती मकान बना सकती है, क्योंकि लैंड की कीमत है नहीं उनको, खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट खाली है और मैनेजमेंट कॉस्ट है, तो म्हाडा ही खाली ऐसी चीज़ है जो अपने किफ़ायती मकान बना के सस्ते मकान पब्लिक को दे सकती है, क्योंकि बीच का अगर मार्जिन रखेंगे किसी बिल्डर को देंगे तो बीच में उसका प्रॉफिट आ जाएगा, उसका मार्केटिंग कॉस्ट आ जाएगी, उसकी डेवलपमेंट कॉस्ट आ जाएगी, उसका प्रीमियम आ जाएगा, तो सबकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। म्हाडा की ये सरकार की, ये म्हाडा सरकारी कंपनी है, सरकार और म्हाडा मिल के इनकी जिम्मेदारी बनती है कि जो ज़मीन के पास पड़ी है उसका फ़ायदा उठा के सस्ते मकान बनाएं और पब्लिक को दें और अच्छे मकान बनाएं। ऐसी बात नहीं है कि बड़ा काम नहीं है, सबसे पहले आज तक सब लोगों ने बड़े काम कहाँ किए थे, अभी सब लोग बड़े बड़े काम करते हैं, इनके पास 500 इंजीनियर हैं काम करने के लिए, पूरे साधन है, देश बहुत उन्नति कर रहा है, काम करने सब में समृद्धि है, सबकी क्षमता है, काम करने की इच्छा होनी चाहिए, और मेरे ख्याल में नहीं कि ये बहुत महंगा हो जाएगा, अगर खुद काम करेंगे तो सस्ता पड़ेगा इनको। जी जॉय, जो लोग अभी रह रहे हैं, बसे हुए हैं इन कॉलोनियों में, उनको इस चीज़ के लिए तैयार करना, क्योंकि रीडेवलपमेंट जब करने जाते हैं तो ये बड़ी दिक्कत आती है कि लोग माने ना माने, तो उसके लिए तैयार करना कितना बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन अगर एक प्राइवेट बिल्डर आता है और म्हाडा खुद करता है उससे भी कितना फर्क पड़ जाता है? आई थिंक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है, ये एक प्रैक्टिकल ऑब्स्टेकल खड़ा हो जाता है कोई भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर रीडेवलपमेंट के फेवर में नहीं हो तो उस सोसाइटी को रीडेवलपमेंट करना और उस कॉलोनी को रीडेवलपमेंट करना बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो एक प्राइवेट बिल्डर जब आते हैं और प्राइवेट प्लेयर जब आते हैं, वो एक प्रैक्टिकली इसको सोच के बहुत सारे सॉल्यूशन इवॉल्व कर सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं, लोगों को जो प्रैक्टिकल नीड्स है उस पर एड्रेस कर सकते हैं, जो कि गवर्नमेंट एजेंसीज़ के लिए कभी कभी एक्चुअल रियल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता है, बिकॉज गवर्नमेंट एक पर्टिकुलर सिस्टम में चलते हैं, पर्टिकुलर सिचुएशन में चलते हैं, उनको सेट नॉर्म्स रहते हैं, उसमें वो काम कर सकते हैं। तो आपका सवाल बहुत पर्टिनेंट है, अगर इस रीडेवलपमेंट प्रोसेस में तेज़ी लाना है, फास्ट काम करना है, तब आपको प्राइवेट प्लेयर इन द पर्टिकुलर प्रेजेंट सिचुएशन शायद चाहिए हो सकता है, और इसी के वजह से आई थिंक गवर्नमेंट PPP मॉडल पे ज़्यादा ध्यान दे रहा है जैसे आप देख रहे हैं। जी चलिए, जॉय और प्रेमनाथ साहब, आप लोग स्टूडियो में आए और इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए शुक्रिया आपका। तो म्हाडा के पास ज़मीन की कमी कह रहे हैं, लेकिन अगर ये पूरा जो उसकी कॉलियों का इलाका देखें तो उसके बाद ज़मीन की कमी नहीं कह जा सकती, बस ज़रूरत है थोड़ी सोच की, थोड़ी कोशिश की, थोड़ी इच्छा शक्ति की। अगर इस इलाके का पुनर्विकास किया जाता है तो मुंबई की सबसे बड़ी समस्या एक किफ़ायती मकान ढूंढना, उसका हल ढूंढा जा सकता है। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने की आपकी सारी उलझनें हम सुलझाएंगे, देंगे आपके सवालों के जवाब।